पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मुंह तोड़ कार्रवाई के बाद अब दोनों ही तरफ तनाव बढ़ गया है। और अब इस बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। राजनाथ सिंह ने राज्यों से कहा है कि वे सीमा क्षेत्र में 10 किलोमीटर क्षेत्र को खाली करा लें। दरअसल यह फैसला पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली किसी भी संभावित कार्रवाई के मद्देनजर लिया गया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। साथ ही राजस्थान, पंजाब और गुजरात में बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीएसएफ की परेड आज के लिए रद्द कर दी गई है। अटारी में लोगों को जाने से रोका जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जंग की धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना ने भी सैन्य अभ्यास तेज कर दिया था और आज भी भारत की कार्रवाई के बाद नवाज शरीफ ने रक्षा मंत्री ख्वाजा शरीफ को तलब किया है। और खबर ये भी है कि पाक पीएम ने पाक आर्मी चीफ से फोन पर बात की है। साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई संभावित मानी जा रही है। बॉर्डर इलाकों को एहतियात के तौर पर खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हो तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल सीमा पर तनाव की स्थिति है। देखते रहिए जीबी लाइव।